नमस्ते पूजा फैमिली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सनील का फूल का सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और झटपट बनके तैयार होता है। सनील का फूल का सब्जी हम लोग मछली का मसाला डाल के बनाएंगे। सनील का फूल का पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। पकौड़े की रेसिपी के लिए आई बटन में क्लिक करें। चलिए सनील का फूल का सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सनेल को फूल को अच्छी तरह से साफ करके धो के ले ली हूँ। इसमें मसाले के लिए लहसुन सरसों का पेस्ट बना ली हूँ। फोरन के लिए 2 से 3 सूखी मिर्च, गोटा जीरा, थोड़ा से मीठी के दाने ले लेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें तेल डाल देंगे। जो फोरन लिए थे वो उसमें डाल देंगे। फोरन डाल के इसको भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। हमारी फोरन भून चुकी है, जो सनेल का फूल में धो के रखी थी उसको मिला दूंगी। इसको ढक दूंगी, इसको 1-2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। सनेल का फूल का सूखा सब्जी बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। इसको आप दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। अब इसमें हम लोग मसाले मिला लेंगे। जो मसाले पेस्ट करके रखी थी उसमें हमें 1 चम्मच धनिया ले लूँगी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ले लूँगी, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ले लूँगी, 1/4 स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। मसाले को हम लोग सब्जी में अब मिला देंगे। मसाले को हम लोग अच्छी तरह से मिला लेंगे। सनेल का फूल का सब्जी जो आप मसालेदार सब्जी बनाते हैं आप उसमें डाल के बना सकते हैं। आप इसको छोटी मछली के साथ भी मिला के बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। मैं इसमें एक बार में ही पानी डाल दी हूँ, जैसे छोटी मछली में एक बार में पानी डाल देते हैं उसी तरह इसमें भी एक बार में पानी डाल दी हूँ। अब इसको ढक दूंगी मैं 2 मिनट के लिए। इसको ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लिए हैं। सनेल का फूल का हम लोग सब्जी सूखी बनाएंगे, इसीलिए इसका पानी पूरा सुखा रहे हैं। इसका सीजन आने से बिहार यूपी साइड में लोग बहुत पसंद करते हैं। इसका सब्जी चोखा पकौड़ा खाना बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादातर मक्की के रोटी, बजरे की रोटी, गेहूँ की रोटी सनेल के चोखा के साथ खाना पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं इसको बनाने में 3 से 4 मिनट लगता है। मेरी सब्जी बनके तैयार है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।